अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान तथा पोषण माह के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तथा परियोजनाओं में 15 से 21 सितंबर तक स्वस्थ शिशु की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस क्रम में मानस भवन रीवा में जिला स्त्री प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में सांसद तथा जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने परियोजना वार एवं सेक्टर वार विजेता शिशुओं को पुरस्कार तथा उपहार प्रदान किए। विजेता शिशु की माता को पुरस्कार स्वरूप मुनगा के पौधे प्रदान किए गए। इसके बाद सांसद ने पोषण आहार प्रदर्शनी तथा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आयोजित ईट राइट चैलेंज प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में वात्सल्य अभियान के तहत कुपोषित से सुपोषित हुए बच्चे एवं उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर मनोज पुष्प, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास उषा सिंह सोलंकी, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पांडे, सहायक संचालक आशीष द्विवेदी, परियोजना अधिकारी जीवेंद्र सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी साबिर अली तथा बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।